दिल की गहराइयों से आओ बताएं हर पल की कहानी और बनाएं इस दिन को कुछ खास, कुछ यादगार। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सीमा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका सीमा स्वीट होम में। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम बाल गोपाल की स्नान सेवा से। पूजा हो चुकी है हमारी, भोग लगा दिया है। पूजा करने के बाद में हम हमारे डेली के कामों में लग गए थे। तो सैटरडे है, सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा काम भी बहुत होते हैं, तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए हैं धोने के लिए। कुछ घर की साफ सफाई जो भी थी वो भी सारी की है, और इस तरह से हमारे काम शुरू हो गए हैं। किचन में बर्तन वगैरह जो भी थे वो सब साफ किए, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट सब बनने के बाद में काफ़ी सारा काम फैल जाता है, पूजा के भी काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो सारे बर्तन साफ किए हैं, अच्छे से रसोई पूरी क्लीन की है, क्योंकि अब बनेगा लड्डू गोपाल जी का भोग। तो इस तरह साफ सफाई के बाद हमने बनाया है लंच, और लंच में है आज कुछ खास, तो वही सारा आपके साथ शेयर किया है। और कुछ एक्स्ट्रा काम भी किए हैं, वो भी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सारा आपके साथ शेयर किया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो यहाँ पर ये हमारे लंच की तैयारी हो चुकी है। मैंने चावल धो दिए हैं और गला भी दिए हैं, और यहाँ पर तुअर की दाल धो ली है। आज हम बनाएंगे दाल ढोकली, जो कि गुजराती डिश है, तो चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। दाल ढोकली अपने आप में ही एक पूरी डिश है, तो चावल भी बनाएंगे साथ में, चपाती भी बनाएंगे, तो इसकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी दाल को अच्छे से धो लिया है, पानी डाल दिया है, और अब डाल देते हैं इसमें कुछ मसाले। तड़का अभी नहीं लगाया है, लास्ट में लगाएंगे। तो ये है कच्चा जीरा, इससे स्वाद बढ़ जाता है। यहाँ पर ली है ये कच्ची मूंगफली, इनको भी ऐसे ही डाल देंगे। और यहाँ पर लिया है कोकम, कोकम से खटाई आती है, क्योंकि हम दाल ढोकली खट्टी मीठी बनाएंगे, गुजराती डिश है, तो खट्टा मीठा स्वाद अच्छा लगता है, तो कोकम डाल देंगे। इसको धो करके रख दिया था, और नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हल्दी हम बाद में तड़के में भी डालेंगे, और डाल देंगे 1 टमाटर, जिसको कि टुकड़े टुकड़े करके डालेंगे। तो ये अदरक डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़े करके। तो अब हम कुकर बंद कर देते हैं, तो कम से कम चावल और दाल को आधा घंटा गलने के लिए रख देंगे। जब तक हमारे दाल चावल गल रहे हैं, तब तक हम कुछ और भी एक्स्ट्रा काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने निकाली है मलाई, ये फ्रिज में रखी थी, इसको पहले 24 घंटे के लिए बाहर ही दही डाल करके जमा दिया था सारी मलाई को, और अब इसको फ्रिज में से निकाला है। ये रात भर से फ्रिज में थी, और अब इसको लगातार थोड़ी थोड़ी देर का इस तरह से चलाते रहेंगे। वैसे ज़्यादातर सर्दियों में इस तरह से चलाने से ही मक्खन आ जाता है, लेकिन यदि नहीं भी आता है तो फिर हम मक्खन का मशीन का यूज करेंगे। इसको थोड़ा चला दिया है, साइड पर रख देते हैं। और यहाँ पर ये मेरे आंवले गले हुए रखे हैं चीनी के पानी में, इनको मैंने 3 से 4 दिन पहले गला दिया था, तो इनको हल्का उबाला था, उबाल के इनके टुकड़े करके गुठली निकाल दी थी। और इसमें ये 2 किलो आंवले हैं, करीब 600 ग्राम चीनी हमने डाल दी थी, सिर्फ टुकड़े करके चीनी डाली थी, और प्लास्टिक के बर्तन में इनको ऐसे ढक करके रख दिया था, जिससे कि ये आंवले को स्टील या दूसरे बर्तन में, कांच या प्लास्टिक में भी रख सकते हैं, तो वही किया था। तो हम इसको इसका सारा पानी निकाल देंगे इस तरह से, और इस वाले जो आंवले का पानी है इसको फेंकेंगे नहीं, ये हमारे जूस के काम में आ जाएगा, और इससे हम बनाएंगे आंवला कैंडी। तो इसको चन्नी में डाल के कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद इसमें मसाले मिलाएंगे। तो ये आप देख रहे होंगे चीनी का सारा पानी बन चुका है। तो इस तरह से एक खट्टी मीठी कैंडी तैयार हो जाएगी, इसमें मसाले भी डालेंगे सारे। जैसे ये पूरा आंवला हमने इसमें डाल दिया है, और इस
इसमें पानी भी अच्छा खासा निकल जाता है। तो हम इस पानी को फेंकेंगे नहीं, स्टोर करके रख लेंगे फ्रिज के अंदर। तो ये जूस गर्मियों में ज्यादा अच्छा लगता है और उस समय तो पीने में बहुत ही ठंडा पानी मसाले मिला करके। तो ये हमारा जूस रेडी है, इसमें सादा पानी मिला करके हम जूस आराम से बना सकते हैं। तो बताएंगे आपको आगे। और यदि आपको ये कैंडी की फुल रेसिपी जानना है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। तो हम आपके लिए सिर्फ आंवले की कैंडी की ही रेसिपी लेकर के आएंगे। ये इस तरह से बोतल के अंदर स्टोर कर लेंगे। ये हमारा जूस रेडी है, अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पर दाल और चावल को करीब आधा घंटा हो चुका है और ये चावल अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम गैस चालू कर देते हैं। यहाँ पर कम से कम 2 सीटी आने देंगे और चावल में भी हल्का सा तड़का लगा देते हैं तो स्वाद ज्यादा बढ़ जाता है। सिंपल चावल ही बना रहे हैं, ज्यादा मैंने तेल भी नहीं डाला है, लेकिन सिर्फ तड़का लगा देंगे। यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ी सी राई, थोड़े से करी पत्ता, पानी भी। आज हम पानी नहीं निकालेंगे तो चावलों में पानी कम डालेंगे। और डाल देते हैं नमक। तो बस यहाँ पर ढककर के उबाल आने देंगे और ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर उबाल आएगा तो हमारा सारा तड़का निकल जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि उबाल आए तो पानी बाहर ना निकले। तो इस तरह से उबाल आने के बाद में बिल्कुल इसको हटा करके ही चावल उबालेंगे। इस तरह से उबाल आ चुका है और इसका ढक्कन हटा दिया है हमने। अब सिम कर देंगे अपने आप चावल पर। और यहाँ पर आटा ले लिया है मूंगफली का भी और साथ में रोटी का। तो जो हम रोटी का आटा मारते हैं वैसे ही आटा मारना है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो हम यहाँ पर आटा मार देते हैं और चावल भी हमारे बनने वाले हैं। तो ये चावल हमारे बन चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी है और बस बहुत कम 3 या 4 मिनट में ही ये उबल चुके हैं। पानी थोड़ा थोड़ा है लेकिन फिर भी हम गैस बंद कर देंगे और ढक देंगे। बस ये बाकी का कुक अपने आप ही हो जाएंगे इस तरह से ढक्कन लगाने से, और चावल खिले खिले भी बनेंगे। तो यहाँ पर हमने मसाला भी रेडी कर लिया है और हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तो अब हम लगा देंगे ढोकली का तड़का। सबसे पहले हम ढोकली रेडी करेंगे फिर उसमें दाल डालेंगे। तो कैसे करना है देखते हैं आगे। मैंने यहाँ पर राई डाल दी है, जीरा, सूखी हुई लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और डालेंगे मीठी नीम और हरी मिर्ची। अदरक टमाटर वगैरह हम पहले दाल में डाल चुके हैं। और डाल देंगे यहाँ पर सांबर मसाला। तो ये मार्केट का ही है सांबर मसाला, स्वाद बहुत अच्छा आएगा इसलिए। और थोड़ी सी डाल देंगे कसूरी मेथी। और हम ये मसाले पहले इसलिए डाल रहे हैं जिससे जो हम ढोकली बनाएंगे उसमें इन मसालों का स्वाद अच्छे से आ जाएगा। हमने यहाँ पर पानी ले लिया है लगभग 1 कटोरा भर के, जितने हम ढोकली उबालेंगे उतना, और बाकी का इसमें डालेंगे दाल।
तो हम इसको पानी को उबलने देते हैं, तो मसालों के हिसाब से थोड़ा नमक यहाँ पर भी डालेंगे। तो हम इस पानी को अच्छे से उबाल आने देते हैं, तब तक हमारी बोटली रेडी करते हैं। हमारी बोटली का पानी रेडी होता है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। जैसे हमने आपको पहले ब्लॉग में बताया था, संडे को, आज सैटरडे है, तो हमारा धनिया रखा है और बस अब आज लास्ट है, कल नया धनिया आ जाएगा। तो इस तरह से 8 दिन हमारा अच्छे से काम कर गया। तो हम धनिया धो लेंगे और यहाँ पर जैसा बताया था कि हमारी मलाई भी साथ साथ में होगी, तो बीच बीच में जैसे जब भी हमको टाइम मिलता है हम अपनी मलाई को भी इस तरह से चलाते रहेंगे। तो पानी में उबाल आ गया है, सब दिख रहा होगा, और मसालेदार पानी है, तो इसको इसी तरह फुल गैस पे उबलने देंगे और यहाँ पर हम हमारी ढोकली शुरू कर देंगे। तो सिंपल जो अपना आटा रहता है उसी से लोइया बनाएंगे, रोटी की तरह, सिर्फ रोटी की तरह, कुछ भी नहीं करना है। पलोथन लगा करके सूखा आटा और इस तरह से सिंपल रोटी बेलेंगे। और आटा हमारा रोटी का ही है, कोई मसाले नहीं डाले हैं। हमारे दाल के ये जो पानी डाला है उबाल लिया है बघार करके, इसमें मसाले सारे डाले हैं और ये आटा हमारा सिंपल है। तो इस तरह से रोटी सिंपल बेल लिए है और अब इसके टुकड़े कर लेंगे। और रोटी बिल्कुल पतली बेलनी है, ज्यादा मोटी नहीं बेलनी है। अब हम एक एक रोटी को बेल करके टुकड़े करके उसमें डालते रहेंगे और ये इसी तरह फुल गैस पे उबलता रहेगा। एक साथ भी नहीं डालना है वरना सब मिक्स हो जाएगा। हर बार एक रोटी बेल करके डालना है, हम दूसरी रोटी तैयार करेंगे जब तक ये फुल गैस पे उबलता रहेगा। इसी तरह हम यहाँ पर ये दूसरी रोटी को भी तरह से 4-5 रोटी बेल करके डालेंगे जब तक कि हमारा ये जो हमने अपने हिसाब का पानी लिया है, जो हम दाल में एक्स्ट्रा पानी डालते हैं, बस उतनी ही रोटी हमको डालनी है। जब ये गाढ़ा लगे हमको, तो आप अपने हिसाब से 4-5 रोटी जो आपको लगता है उतना आप डाल सकते हैं। और यदि ये गाढ़ा हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप गर्म पानी करके इसमें मिला सकते हैं। और गैस लगातार फुल पे ही करना है जिससे ये उबाल आता रहे। तो इस तरह से इसको लगातार उबलते हुए 3-4 मिनट हो चुकी है। अब हम इसमें हमारी दाल डाल देंगे जो कि हमने कुकर में सीटी लगा करके रखी है और ये बहुत अच्छे से बन चुकी है। तो अब हम दाल के साथ भी इसको कम से कम 3-4 मिनट ऐसे ही फुल गैस पे उबाल लेंगे। बन चुकी है हमारी ढोकली, मूंगफली और दाल और सब दाल की शानदार ढोकली, बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है दोस्तों, आप सभी एंजॉय को। अब डाल देंगे हम इसमें हरा धनिया और ये यहाँ पर हमारा जीरा राइस रेडी है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि खिले खिले बहुत शानदार चावल बन जाएंगे, तो बन चुके हैं। अब लगा लेते हैं हम प्लेट। तो ये हमारी प्लेटिंग हो चुकी है लड्डू गोपाल जी की और हम ढोकली की प्लेटिंग इस तरह से करेंगे। तो देखिए हमारी थाली में आज क्या है, गुड़ मीठे में, दाल ढोकली विथ राइस और चपाती। भोग को पूरा करते हैं और तुलसी रख देते हैं, चलते हैं भोग लगाने। यहाँ पर हमने 1-2 बार और चलाया है इसको और ये हमारा घी बनने को रेडी है। तो इस तरह से ज्यादा नहीं चलाते हैं लेकिन फिर भी घी बन जाता है। अभी आप देखेंगे कि किस तरह से ये अलग छाछ अलग हो जाएगी और घी अलग हो जाएगा। छाछ अलग हो गई है, इसके बाद अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो अब हम इसमें ठंडा पानी डाल देंगे। तो बन चुका है हमारा घी, अब बस इसको
एक दो बार ऐसे चलाएंगे और फिर छाछ से अलग कर देंगे। सबसे पहले हम इस तरह से करके थोड़ा इनको टाइट कर लेंगे, उसके बाद एक बड़ा गोला बनाएंगे। एकदम टाइट करके निकालना है, क्योंकि यदि इसमें थोड़ा सा भी छाछ रह जाएगा तो फिर हमारा किट्टू बहुत ज्यादा होगा और घी बनने में गैस भी ज्यादा जलेगी। तो आप जितना ज्यादा इसको टाइट करके छाछ को पूरा निकाल देंगे उतना ही फटाफट घी बनेगा, ना भगोनी ज्यादा जलेगी ना घी का किट्टू ज्यादा निकलेगा। अभी आपके सामने मैं छाछ अलग कर देती हूँ और कैमरा बिल्कुल ऑन है, मैंने बिल्कुल भी बंद नहीं किया है। घी बन चुका है, अब हम इसको गरम करेंगे और हाथों को इस तरह से पूरा चम्मच से साफ कर लेंगे। इसको लगातार चलाते हुए एक उबाल आने तक लगातार चलाएंगे, उसके बाद गैस सिम कर देंगे। अब हम इसको सिम कर देंगे। तो हमारा घी गरम हो रहा है, तब तक हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा काम कर लेंगे। ये हमारा आंवला था जो कि हमने अभी 3-4 घंटे पहले इस तरह से निचोड़ने के लिए रख दिया था, और इसमें से और एक्स्ट्रा भी निकल गया है। बस सबसे पहले एक साफ बर्तन में इसको निकाल लेंगे। तो मसाले मिलाने के लिए हमने अपना छोटा वाला जार ले लिया है और इसमें डाल देंगे सबसे पहले काली मिर्ची, थोड़ी ज्यादा ही लेनी है क्योंकि हमारे आंवले ज्यादा है और आंवले में खटाई भी बहुत होती है, तो थोड़े मसाले ज्यादा ही लगेंगे। अजवाइन, ये सारे मसाले इसके अंदर बारीक करने से इसके आंवले के ऊपर अच्छे से लग जाएंगे, तो स्वाद बहुत अच्छे से आएगा। और उसके बाद मसाले ये डाला है यहाँ पर काला नमक, तो काला नमक 2 चम्मच लिया है और लेंगे सेंधा नमक, हींग ले लेंगे, जीरा डाल देंगे, ये कच्चा जीरा है। अब हम इनको बारीक पीस लेंगे। तो हमने मसाला पीसा है, तब तक ये हमारा घी हो चुका है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। थोड़ी देर बाद इसको छान देंगे। तो हम सारे मसाले डाल देंगे क्योंकि तो हमने इसके हिसाब से ही मसाले लिए थे। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, बस ये हमारी आंवला कैंडी बनके रेडी हो जाएगी। अब हम इसको लगातार धूप में कम से कम 8 से 10 दिन तक धूप में सुखाएंगे और उसके बाद आप इसे साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें कुछ भी खराब नहीं होगा और खट्टा मीठा चटपटा बहुत शानदार आंवला कैंडी बन करके तैयार हो जाएगी। तो आपको हमारी ये छोटी छोटी कोशिशें यदि पसंद आती हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह से और हमें क्या नया लाना है वो भी हमें ज़रूर से कमेंट में बताएं, और बने रहिए लास्ट तक, मिलते हैं एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पर इस तरह से कपड़ा बिछा दिया है, उसके ऊपर ये पॉलीथिन साफ करके बिछा दी है और इसके ऊपर हम अपने आंवले फैला देंगे। अभी तो शाम हो रही है और कल से इसको धूप में रखेंगे, तो इस तरह से पूरे फैला देंगे धूप में। तो यहाँ पर हम अपनी घी की प्रोसेस पूरी कर देते हैं। ये छाछ है, ये लड्डू के लिए मक्खन निकाल लिया है और इस डब्बे में घी को निकाल लेंगे क्योंकि हमारा घी गर्म हो चुका है। ये रहा हमारा घी, अब इसको हम इस तरह से छान लेंगे। इतना घी बन चुका है, हमारा डब्बा बिल्कुल खाली था तो यहाँ तक भर चुका है। और ये रहा हमारा मक्खन, इसमें हम डाल देंगे चीनी। अभी गर्मियाँ नहीं आई हैं तो मिश्री खत्म हो रही है, वैसे हम मिश्री रखते हैं, तो मक्खन में अभी मैंने शक्कर डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स करके फ्रीज में रख देंगे। जो कल लड्डू गोपाल के भोग के लिए 1 या 2 दिन तो भोग इसमें से लगेगा ही सही। तो ये लड्डू गोपाल का माखन मिश्री रेडी है।